मैं 10th फ्लोर पे अपनी एक सहेली से मिलने आई हूँ। हेलो, आई एम पॉली। ओह सॉरी, अब मैं तुम लोगों को मिलवाना भूल गया। ये हैरी है
मेरा दोस्त। How do you do, Mr. Harry? How do you do, Miss Polly? मैं अपना हाथ साथ ले जाऊं। 10th फ्लोर आ गया। सॉरी, वेरी सॉरी। यार मुझे एक बात करनी है। आप यहाँ से फूटने का क्या लेंगे? कहा ना एक जरूरी बात डिस्कस करनी है। कौन सी बात? अपनी वो मिस पॉली के बारे में। इस साले मोटे ने जहाँ लड़की देखी नहीं कि लाइन मारना चालू। साला लाइन मार कहीं का। क्या फिगर है यार, और अंदाज देखिए, वाह। ए, शीज माई ना, तेरा तो कोई चक्कर नहीं है ना उसके साथ? I really like her यार, she is beautiful. वो हमारी है, हम इतना जानते हैं। बस बस, बहुत हो गया, अब कल बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे? पॉली इधर आएगी क्या कल भी? ये ऐसा करें, हम भी वहीं चलें। Let's have a round यार, on the bike. अरे भाई, अब बस भी कर, तू बड़ा गधा आदमी है यार, अपनी जिंदगी की सबसे हसीन लड़की मिली है और हम साले बात तक नहीं कर सकते। I say she is beautiful. हाँ भाई माना। अजी मानना ही पड़ेगा, मानोगे नहीं तो जाओगे कहाँ? अच्छा भाई, कल कॉलेज में बात करेंगे। खबरदार, जो कॉलेज में किसी से पॉली के बारे में बात भी की तो she is mine, उस पे सिर्फ मैं लाइन मारूंगा, और जो कोई साला बीच में आया उसकी टांगे तोड़ दूंगा। She is yours. और कुछ? हाँ, गुड नाइट। अबे क्या हुआ, आता क्यों नहीं?
क्या खो गया है तेरा? तुम्हारे डैडी की चिट्ठी आई है अमेरिका से, उन्हें $5,00,000 का ऑर्डर मिला है। कुछ दिन उन्हें वहां और रुकना पड़ेगा, और वहां उन्हें सेठ देवी दयाल और उनकी लड़की मिल गए। अरे वो ही जो बचपन में तेरे साथ खेलती थी, छोटी सी प्यारी सी, नाम याद है तुझे? नाम तो पूछा ही नहीं। किसका नाम नहीं पूछा? अरे मैं रीता की बात कर रही हूँ। लिखा है बहुत खूबसूरत निकली है, राजू देखेगा तो हैरान रह जाएगा। गुम हो गई है? कौन गुम हो गई? हाँ? अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तूने तो कुछ खाया भी नहीं। माँ वो मुझे भूख नहीं है माँ। नहीं यार मैं डरता वरता नहीं हूँ, पर वो और उसकी चक्कू बाई दोनों बस दादागिरी दिखाते रहते हैं। तू मरा क्यों जा रहा है? संभाल लेंगे। वो आ रहा है, धोने दे, देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। इडियट। क्यों बे उल्लू के पट्टे, क्या कहा था तूने चक्कू से? मैंने क्या कहा था? कहता था चक्कू तो किकी के पीछे क्यों पड़ी है? मैंने नया मोटरसाइकिल खरीदा है, आ मेरे साथ सवारी कर। हरामजादे, फिर चक्कू को चकमा देने का सोचा तो खून पी जाऊंगा। अबे हट, उस बेचारे पे क्या रौब जमाता है? हा? मैंने हरी से कहा था चक्कू को संदेश देने के लिए, मैंने भी तो नया मोटरसाइकिल खरीदा है। नया मोटरसाइकिल भूल गए? तेरे अंकल की मौत भी मोटरसाइकिल पर ही हुई थी। बच्चे, मोटरसाइकिल खरीदने से कोई ड्राइविंग नहीं सीख लेता। अभी तेरे साइकिल वाइकिल चलाने के दिन है, मर मरा गया तो तेरा बाप तुझे भी रोता फिरेगा। पॉली। हाय पॉली। हाय हैरी। तुम एक दूसरे को नहीं जानते? राजू ये है मेरी फ्रेंड अनु। हेलो। हेलो। और अनु ये है हैरी, राजू का जिगरी। हेलो। राजू तुम कीकी को जानते हो ना, तुम्हारा क्लास फेलो। अनु कीकी की ही बहन है। अरे भाई हर लड़की किसी ना किसी की बहन होती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम तुमको आरे मर जाए। जा। अरे जा ना। I'm sorry. अनु ये रुमाल तुम्हारा है? तुम जानते हो मेरा नहीं, फिर भी रख लेती हूँ। मेरे पास कल के शो की टिकटें हैं, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। पर वो तो एडल्ट फिल्म है। तो क्या हुआ, हम साड़ी पहन के जाएंगे। तो ठीक है, कल शाम को इरोस पे, भूलना मत।
ब्लो हॉट, ब्लो कोल्ड। यार हैरी, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? यही कोई 20 रुपए? नहीं यार, क्यों? कल फिल्म देखनी थी। यार अपने पास तक फूटी कौड़ी भी नहीं है, बहुत कड़की चल रही है आजकल। तो ठीक है, मैं पॉली और अनु को बोल देता हूँ। पॉली? फिर कभी सही। पॉली भी आ रही है फिल्म देखने? आ तो रही थी, लेकिन तू गम ना कर यार, पैसे पैसों को बंदोबस्त हो जाएगा। अरे जाने दे यार, तुझसे कहा ना यार, 20 रुपए क्या चीज है, तू जान मांग के देख जान। टिकट प्लीज, टिकट, टिकट। एज प्लीज। 19 साल। वी आर 19। आइडेंटिटी कार्ड? वो भाई वो कार्ड तो घर रह गया, बट वी आर 19, 19 साल। सॉरी, आप नहीं जा सकते। मगर आप देख रहे हैं कि हम सब साथ हैं। लेडीज जा सकती हैं। टेक योर टिकट। भैया आप नहीं जानते कि हम लोग फाइनल ईयर में हैं। वी आर इन बीए। साइड हो भाई, अंदर जाने दो। साइड प्लीज। ये बच्चों की पिक्चर नहीं है। छोटे हैं ना बड़े बड़े मुश्किल में वो पड़े, जो ना छोटे हैं ना बड़े बड़े मुश्किल में वो पड़े, उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं, वो जो ना छोटे हैं ना बड़े बड़े मुश्किल में वो पड़े, उनकी मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं, वो जो ना छोटे हैं ना बड़े बड़े मुश्किल में वो पड़े। छोटे हैं ना बड़े बड़े मुश्किल में वो पड़े, उनकी
ये मुश्किलों का एहसास नहीं, उनके लिए वक्त किसी के पास नहीं। वो जो ना छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में वो पड़े। हेलो हेलो, मैं अनु से बात कर सकता हूँ? हाँ। अनु, पिक्चर कैसी लगी? अच्छी थी ना? हाँ अच्छी थी। कैसा लग रहा था वहाँ पिक्चर में? मेरा मतलब है साथ में मैं नहीं था ना। मेरा मतलब है अच्छा नहीं लग रहा होगा ना वहाँ मेरे बिना। हाँ कुछ नहीं, मुझे पता नहीं। कौन था? राजू। राजू सोनी? हाँ। कौन राजू सोनी? सुरेंद्र मोहन सोनी का बेटा। मैं पूछ सकती हूँ ऐसी कौन सी जरूरी बात कहने के लिए आपने मेरा गेम डिस्टर्ब किया? अरे जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो इतनी जरूरी है कि उसके लिए जिंदगी और मौत की बात भी लग सकती है। आने वाली कई नस्लों का भविष्य तुम्हारी हाँ और ना पर अटका हुआ है। कहिए, मैं सुन रही हूँ। तो सुनो, तुसा लाखों साल पुराना, जबकि एक पुण्य आत्मा यानी कि मैं परमात्मा में लीन हो गई और दोबारा आवागमन के चक्कर में पड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तब उस आत्मा को पता चला कि उसकी प्रियतमा यानी कि तुम भारतवर्ष के समुद्र तट पर बसे बंबई नाम की नगरी में जन्म लेने वाली। फिर वही आत्मा रोमा देवी के मन में ख्याल और बद्रीनाथ के मन में प्यार बनकर उतरी। और इसी तरह 1937 की जून की रात को 11:11:11 पर उस पवित्र आत्मा ने जन्म लिया जिसका नाम अनिल मोहन रखा गया। अनिल मोहन जी। हाँ। ये सब नॉनसेंस आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? और जिसके लिए मैं जन्मा वो 1942 के अक्टूबर में शाम के 5:05:05 पर पैदा हुई और जिसका नाम आशा चौधरी। हाँ। यानी कि मैं। हाँ। यही जरूरी बात कहने के लिए। असली बात तो अब है, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। और आजकल पाप बहुत बढ़ गया और अब वक्त आ गया है कि इन पापों का सर्वनाश करने के लिए कोई महान आत्मा आए। और तुम्हारा और मेरा मिलन होगा तभी तो कोई तीसरा सपना जन्म लेगा। सबसे बड़े पापी तो तुम हो जो ऐसी बात सोचते हो। अरे जब ये बात धर्म और समाज के आगे से की जाए तो पुण्य बन जाती है। तुम शादी की बात कर रहे हो ना? अरे हाँ रे पगली हाँ। तो कब चलेंगे घर? तुम्हारा मेरे घर चलना तो उसी दिन तय हो गया था जब मैं इस धरती पर उतरा था, यानी कि कल शनिवार शाम को 6:06:06 पर। हाँ। आओ ना। आओ महान आत्मा, यहां तक आकर कदम क्यों रुक गए? वक्त आ गया है कि इस धरती की तकदीर बदल दी जाए। बस 2-4 कदम और। धरती की तकदीर बदलने से पहले जानना चाहूंगी ये तस्वीर किसकी है? मेरे भैया सुरेंद्र मोहन। शहर से बाहर गए हुए हैं। यहाँ कोई नहीं है? तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? बहुत भोली। तुम हो बहुत बेसब्र। मुझे इस घर में तुम्हारे भैया की गैरहाजिरी में नहीं आना चाहिए था। देवी जी
मेरे भैया की मौजूदगी में आप इस घर में एक कदम भी नहीं रख सकती हैं। वो मुझे जानते हैं क्या? तुम्हारे भाई को जानते हैं, उनसे दुश्मनी है उनकी। तुम्हारे भाई ने एक मुकदमे में उनके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। इतनी सी बात क्या वो भूल नहीं सकते? तुम उनके गुस्से को नहीं जानती, वो मुझे छोड़ देंगे, दुश्मनी नहीं। और उनकी खातिर तुम मुझे छोड़ दोगे? कभी नहीं। दुश्मनी पर मोहब्बत का बलिदान नहीं हो सकता। हाँ, मोहब्बत पर दुश्मनी को कुर्बान जरूर किया जा सकता है। लेकिन हमारी शादी होगी, जरूर होगी। इस नफरत के माहौल से दूर हमारे सपने का जन्म होगा, जहां ना तुम्हारा भाई होगा, ना मेरा, ना खानदानी दुश्मनी। बस हम होंगे, हमारा प्यार होगा। लेकिन हिम्मत रखो, मैं जो हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा जन्म जन्म का साथी। कहां जाने की तैयारी हो रही? अनिल के साथ भाग जाने का इरादा है क्या? तुम क्या समझती हो आशा, कि तुम हम सबके मुंह पर कालक पोत के चल दोगी और हम खामोश बैठे रहेंगे? याद रखो आशा, अगर तुम अनिल के साथ भागी आज या फिर कभी, मैं तुम्हें पाताल में से ढूंढ निकालूंगा, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर ही दूंगा, लेकिन तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? का लड़की को फिल्में दिखाता है, उसके होटलों के बिल चुकाता है, उसको कीमती तोहफे लेके देता है, और फिर लड़की मेहरबान होकर उसको एक हाथ चुम्मी दे देती है। क्या कहते? ये बताओ वो आपस में क्या करते हैं? भाई मुझे तो तजर्बा है नहीं, कॉलेज की किताबों में तो ये बात पढ़ाई नहीं जाती। अब माँ बाप से पूछें या उनसे जिन्होंने प्यार किया है, तो मार पड़ने का डर है। अब तुम बताओ इसमें हम क्या करें? ओ, लेकिन कोई बात नहीं,
ऋषि मुनि लोगों ने हर समस्या का हल निकाला हुआ है। शास्त्रों से यह बात सीखी जा सकती है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। क्यों, कैसी गई? अब तो मानते हो ना गुरु? हाय पॉली। हाय राजू। हाय। क्या चल रहा है? यूं ही टाइटल देख रहे थे। क्यों, कुछ मिला? इसके बाद क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं। कहीं चलें? क्यों अनु? अच्छा, हम लोग बाहर वेट करते हैं। वे। क्या यार, इन साली बच्चियों ने सब काम बिगाड़ दिया। अगर थोड़ी देर से आती ना तो मैं खरीद लेता वो किताब। तू नहीं तो मैं खरीद लेता यार। अरे चलना, तू किसको बेवकूफ बनाता है यार। पॉली, मिली कोई अच्छी सी किताब? नहीं वो, हाँ जरा देखे। हम लोग इस सैटरडे को बाहर घूमने जा रहे हैं। नहीं यार, इस सैटरडे तो मैं मम्मी के साथ फंसी रहूंगी। और अनु तुम? कल मैंने एक हिंदी फिल्म देखी, पता है उसमें क्या होता है? हीरो और हीरोइन ऐसे ही एक नदी के किनारे बैठे हैं, जैसे हम बैठे हैं। हीरो हीरोइन से पूछता है, सुनो तुम किसी से प्रेम तो नहीं करती? फिर हीरोइन कहती है, नहीं। फिर तब हीरो हीरोइन का हाथ अपने हाथों में ले लेता है ऐसे, फिर कहता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। फिर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। फिर मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये तुम मुझसे कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हीरो हीरोइन से कह रहा है। क्या तुम अपने आप को हीरो समझते हो? तो तुम क्या समझते हो? मैं, मुझे तो तुम जोकर लगते हो। मैं जोकर लगता हूँ? और तुम क्या हो? लोमड़ी। ए लोमड़ी, खा गई खा गई खा गई खा गई लोमड़ी। ए लोमड़ी, thank you।
डसने तू चले जुल्फों के नाग लिए, किसको डसने तू चले जुल्फों के नाग लिए, हो हो कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए, बैरागी देख के तुझे अनुरागी बन गए, अनुरागी बन गए रे कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए। बन गए रे कितने राजे तुझे देख के बैरागी बन गए।
पता है कितनी रात हो गई है? वो क्या बताएं, मोटरसाइकिल खराब हो गई थी, एक घंटा बोर होना पड़ा। तुम चुप रहो, हमारे बीच में टांग मत अड़ाओ। अनु घर जाओ। तुम नहीं, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। देखो किकी, तुम्हारे और मेरे बीच कोई झगड़ा नहीं। तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। अभी एक मिनट में सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। बेबी, किस्मत वाले हो जो बच गए। देखता हूं कब तक बचोगे। अपना चाकू भी साथ लेती जाइए। डैडी को भी राजू से तुम्हारा मेल मिलाप पसंद नहीं आएगा। उनके खानदान से हमारी पुरानी दुश्मनी है। डैडी अमेरिका गए हैं और जब तक वो नहीं लौटते मुझे क्या करना क्या नहीं करना ये तुमसे अच्छा मैं खुद जानती हूँ। बेशरम, बड़े भाई का कुछ लिहाज नहीं? दुनिया में मुझसे दो चार साल पहले आने का बड़ापन जता रहे हो? बड़े भाई का प्यार भी दिया है कभी? मैं जाऊंगी। काट कर रख दूंगा ये जबान जो कैची की तरह चलने लगी है। ना खानदान की इज्जत का ख्याल है और ना बड़ों का लिहाज। Thank you.
जा रही हो? मैं वो किकी जानती हूँ। जवानी अपने साथ एक अजीब पागलपन लाती है जो किसी भी बंधन या ताले की परवाह नहीं करती। बात ही है आंटी, राजू मेरा इंतजार कर रहा है। तुम उसे बहुत प्यार करती हो? प्यार तो मैं नहीं जानती क्या होता है, पर राजू मुझे अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है कि तुम उसके लिए भाई से पिटने को तैयार हो। दुनिया की बदनामी सह लोगी? लड़का लड़की दोस्तों की तरह मिले तो क्या बदनामी होती है? लोग बदनाम तो करते हैं। आपके जमाने में करते होंगे, अब जमाना बदल चुका है। तुम क्या जानती हो जमाने के बारे में? तुमने तो जीवन की सिर्फ 16 या 17 बहारें ही तो देखी हैं। पगली, जमाना ही तो नहीं बदला, प्यार करने वालों पर तो हमेशा से ही बहरे बैठे हैं। हमारे माँ बाप के जमाने में, हमारे जमाने में, और आज तुम पर। ना जाने प्यार से लोगों को इतनी नफरत क्यों है। आंटी, आपने कभी प्यार किया है? मैंने? क्यों आंटी, प्यार की क्या निशानी होती है? कैसे पता चलता है कि प्यार हो गया है? जो शब्दों में ढल जाए वो प्यार नहीं हो सकता। जाओ अनु, तुम्हें देर हो रही है। देर हो जाए तो कभी कभी सारी जिंदगी इंतजार बन जाती है। राजू साहब घर पर हैं? जी हाँ, आइए। वो कॉरिडोर में दाएं हाथ वाला कमरा। Thank you.
और सुंदर सा एक सिटिंग रूम होगा उसमें, एक शानदार सोफा, दो साइड चेयर्स, नीला नहीं पीला, सेंटर टेबल, चौकोर नहीं गोल, ओ कारपेट, कारपेट तो भूल ही गए थे, साइड टेबल, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग चेयर्स, और एक साइड बोर्ड, एक स्टडी टेबल, और साइड बोर्ड पे ढेर सारी क्रॉकरी, और मेरी गुड़िया, टेलीफोन, कर्टेन, और बहुत से फूल, इधर नहीं उधर, एयर कंडीशनर, पेंटिंग, और उस कोने में टेलीविजन, और फिर शाम के वक्त तुम थके मांदे दफ्तर से घर लौटा करोगे। शान, आज तुम्हारी शान और इज्जत तो बिटिया के दहेज से जाहिर हो गई, तन पे नहीं लगता और पान खाए अलबत्ता। बस अभी चंदा को सरार कर दो, अब वो तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। चंदा ले जाओ, हमें खुद ऐसी मनहूस नागिन का पैरा नहीं चाहिए जिस कमबख्त ने आते ही मेरे सुहाग को डस लिया। जाओ चंदा। लेकिन उन्हें तो कॉलेज से आ लेने दीजिए, वो कौन है, चल निकल हमारे घर से, कर लूँगी। आ चंदा, टोली में बैठ जाओ, अभी से ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त ना होगी, अब मेरे लिए घर में एक पल भी खड़ा रहना मुश्किल है। चलो चंदा, मैं बात सड़क पर खड़ा होता हूँ, आओ। पिताजी, जब तक वो ना आए और इजाजत ना दे दे, मैं नहीं जा सकती। कैसे नहीं जाएगी, चल निकल। बाबा को बुलवा कर गालियां खिलवा दी और खुद कुश्ती लड़ने पर आमादा है। आओ तो बहन। नहीं जाऊंगी। खबरदार, अगर फिर इस घर में आने का नाम लिया तो खड़ी डोली छुपा दूंगी। नहीं, हमारे घर में टीवी नहीं रहेगा। लेकिन क्यों? आई डोंट लाइक हिंदी फिल्म। ये भी कोई बात है, टीवी जरूर रहेगा। मैं टीवी से नफरत करती हूँ। देखो, ये मेरा घर है और तुम मेरी बीवी हो, या तुम भी रहोगी और टीवी भी रहेगा, समझे? नहीं, या मैं रहूंगी या टीवी ही रहेगा। टीवी रहेगा, रहेगा और जरूर रहेगा। हाँ, घर भी तुम्हारा
और मैं भी तुम्हारी, लेकिन एक वादा करो, जब टेलीविजन से तुम्हारा जीव भर जाया करेगा तब तुम मेरी ओर भी देख लिया करोगे ना? गलत, जब तुम्हें देखने से जी भर जाएगा ना तब टेलीविजन देखा करूंगा। तो ऐसा दिन भी आएगा जब मुझे देख के तुम्हारा जी भर जाएगा? अनु, नहीं बाबा नहीं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। तो टेलीविजन कट? कट, बिल्कुल कट। ओ राजू। लेकिन इन सब चीजों के लिए पैसा कहां से आएगा? ये तुम जानो, पैसा कमाना तुम्हारा काम, घर चलाना मेरा काम। माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ, इतने पैसे तो मुझे एक चेक से ही दे देंगे। लेकिन तुम्हारे डैडी क्या वो हमारी शादी पर राजी हो जाएंगे? सच तो यह है कि मुश्किल है। मेरे डैडी भी नहीं मानेंगे। तो एक रास्ता है, क्यों ना हम पहले शादी कर ले और फिर उनका आशीर्वाद ले। हाँ ये ठीक है, इससे पहले कि मेरे डैडी अमेरिका से लौट आए। कब आ रहे हैं वो? कल। मेरे डैडी भी कल आ रहे हैं। तब तो शादी आज ही होनी चाहिए। आज नहीं अभी। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वासारे चरणे त्र्यंबके श्री गौरी नारायण नमोस्तुते। बेटी वर के गले में ये माला पहना दे। बेटा अब वधू के गले में ये हार पहना दे। बेटा वधु की मांग में सिंदूर भर दे। ओम समूर्ति एयर इंडिया कैप्टन जॉर्जी मेहता और स्टाफ सम्राट विक्रमादित्य पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बंबई तक Please get me another seat. मैं इस घटिया आदमी के साथ नहीं बैठ सकता। I'm extremely sorry, sir. We are full today. First class में कोई सीट खाली नहीं है। इस एयरलाइन से ट्रैवल करने का ये मतलब नहीं कि आप मुझे किसी भी बाजारी मोची के साथ बैठने को कहें। चमड़े की बदबू के मारे दिमाग फटा जा रहा है। Shoe exporter, my foot. Hey, mister. Hey, mister. मोची किसे कहा तुमने? मोची तू, मोची तेरा बाप, मोची तेरा पूरा खानदान। गारमेंट एक्सपोर्टर, गारमेंट एक्सपोर्टर बने फिरते। दर्जी हो साले दर्जी, और तुम जैसे हजारों दर्जियों को मैं एक झटके में खरीद सकता हूँ। फिर भी रहोगे मोची के मोची। दौलत आ जाने से इज्जत नहीं आती, समझे? बाप मरा है पुरानी पैंटों की मरम्मत करते करते, और बेटा भाड़े का सूट पहनकर इज्जत का ठेकेदार बन गया। अब मैं मारूंगा, एक हाथ मुंह तोड़ दूंगा तेरा। प्लीज आप इधर आइए। उससे हाथ क्यों मिलाया? उससे हंस के बात क्यों की? अगर तुमने मुझे समझ कर रखा मैं तुम्हारा पति हूँ या नौकर। साहब आप क्यों नहीं कहते कि मुझसे जी भर गया और ये गोरी चमड़ी भाग गई है? ऐसी है तो छोड़ा मुझे मायके, मैं कौन सा तुम्हारे पीछे पड़ी। सोचूंगा इसके बारे में। एक्सक्यूज मी सर, आप सीट बदलना पसंद करेंगे? ताकि ये खुलकर गुलचर्रे उड़ा सके। खूब जानती तुम जैसी लड़कियों को, तुम्ही ने बिगाड़ा मेरे पति को। बैठे रहो जी, टिकट लिया है, कोई मुफ्त सफर नहीं कर रहे। एक्सक्यूज मी सर, आप अकेले हैं? जी अकेला, 35 साल से अकेला, दैट बैंक बैलेंस। आप वहां बैठना पसंद करेंगे? मैं तो हीरोइन का सपना देख रहे थे। आप हिंदी पिक्चर का विलन के साथ बैठने को बोलते हैं जी। आपने खूब पहचाना, वो सचमुच एक आध खून कर चुका है। सॉरी सर। ओके ओके, मिस पायलट से कह देना कि जरा प्लेन होशियारी से फ्लाई करे। एक बड़े मनहूस हजरत सवारियों में है। ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान 215 अब न्यूयॉर्क लंदन दिल्ली से आ पहुंची है। राजू, डैडी को लेने आई होते? लेकिन तुम जाओ यहाँ से, की आ रहा है।
मैं कल सुबह तुम्हें फोन करूंगी। फ्लाइट तो आ गई है। हाँ डैडी भी आ गए, कस्टम से सामान क्लियर करवा रहे हैं। चलो इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री बट इट इज द हॉटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हाय हाउ आर यू ऑल। इधर आओ बेटा, कैसे हो? रीटा को पहचाना? हेलो। हेलो राजू। रीटा जिनेवा की फ्लाइट से आई है। अच्छा अच्छा। बेटा इसका सामान अभी तक कस्टम में है, सामान क्लियर कराकर तुम उसको अपने साथ ले आना। ओके हम लोग चलते हैं। फाइन सी यू, कम ऑन, हाउ डू यू फील? कैसे हो जॉनी? तुम अच्छी तरह से जानती हो मेरा नाम जॉनी नहीं, राजू है। और जो लड़का मुझे पसंद आ जाए उसे मैं जॉनी के नाम से पुकारा करती हूँ। अच्छा, कितने जॉनी आ चुके हैं तुम्हारी जिंदगी में? हाय, लेकिन अब तो सब जॉनियों को हमेशा हमेशा के लिए भुलाना पड़ेगा सिवाय तुम्हारे। क्यों? हिंदुस्तान में मर्द ऐसी औरतों को पसंद करते हैं ना। ये तुम औरत मैं मर्द कब से हो गए? तुम नहीं जानते, तुम्हारे और मेरे डैडी ने फैसला किया है कि तुम और मैं औरत और मर्द बन जाए। इस तरह दो बिजनेस हाउसेस एक एम्पायर बन जाएंगे। चीयर्स। क्या मतलब? मतलब नहीं समझे बुद्धू, मतलब है शादी। ये कैसे हो सकता है? अरे मैं भी तो यही कहती हूँ कि ये कैसे हो सकता है बिना एक दूसरे को जाने समझे, भला ये शादी कैसे हो सकती है? तो तुम्हें ये शादी नामंजूर है ना? मैं इस बीच तुम्हें जान भी तो सकती हूँ। क्या मतलब? तुम नहीं जानते लड़का लड़की एक दूसरे को कैसे जान सकते हैं। अन्नू कैसी हो तुम? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी बहुत डर लग रहा है मुझे, मैंने कल रात एक भयानक सपना देखा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें 9:30 बजे मैं तुम्हें फ्लोर रेस्टोरेंट मिलता हूँ। बेटे हमने तय कर लिया है कि बीए पास करते ही तुम अमेरिका जाओगे, वहां रीटा के डैडी तुम्हारा सब बंदोबस्त कर देंगे। और याद रहे रीटा हमारी मेहमान है और तुम्हारी हम उम्र, अपनी उम्र की जरूरतों को तुम हमसे बेहतर समझते हो है? हमने उसे प्रॉमिस किया है कि तुम उसे बंबई घुमाने ले जाओगे। अरे अभी तक जागी नहीं, जाओ उसे जगाओ और देखो रईस बाप की एकलौती बेटी है, उसे तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। रीटा को नहीं लाए? डैडी डैडी वो सो रही है डैडी। पर मैंने तो तुम्हें उसे जगाने के लिए भेजा था ना। हाँ डैडी लेकिन। तो भाई जगाओ उसे, नहीं तो सारा दिन सोती रहेगी। मैं राजू हूँ।
कमाल है, जो सपना मैं बंद आंखों देख रही थी वो खुली आंखों भी नजर आने लगा। रीटा, मैं तुम्हें जगाने आया था। तो कौन सा पाप करने आए थे? छोकरी की तरह लाल तो ऐसे हुए जा रहे हो जैसे ये सब कभी देखा ही नहीं। स्वामी जी, घेरवे वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी के मंदिर में धुनी रमा कर बैठ जाइए। चाय तैयार है। चाय तैयार है। बेटे तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें रीटा को बंबई घुमाने ले जाना है। कमान। लेकिन अंकल मेरा, महालक्ष्मी के मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं। मंदिर? मैं समझा नहीं। जाने दीजिए अंकल, ये मेरे और राजू के बीच राज की बातें हैं। ओ, तो तुम में राज की बातें भी शुरू हो गई हैं? है? सुना तुमने, तुम्हारा बेटा तो बहुत तेज निकला है? लेकिन बाप से तेज नहीं। डैडी, मुझे तो कॉलेज जाना है। कॉलेज? और आज संडे को? परखोदार, अब तुम जहाँ भी जाओगे रीटा तुम्हारे संग संग जाएगी। कमान के दाब, कमान के दाब, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ बेटा तैयार हो जाओ। कैसी लगती हो अंकल? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। और देखो, हम दोनों का आज डिनर बाहर है और वो केशव सिंह छुट्टी मांग रहा है पिक्चर देखने के लिए। तुम लोग अपना बंदोबस्त कर लेना। बाय बाय अंकल। बाय। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। आपकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है? 10:30। राजू जब बाहर चला जाता है तो घर सूना सूना सा लगने लगता है। लगता तो है, लेकिन जवान बेटे को सारा दिन घर में भी तो नहीं बिठा सकते। एक आइडिया आया। क्या? तुम तैयार हो जाओ। किस बात के लिए? एक और बच्चे के लिए। शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी बात करते हुए? उम्र तो हो गई है लेकिन इतनी भी नहीं कि दादा ना बन सकूं। मैं पोते की बात कर रहा हूं। वैसे तुम क्या सोच रही थी? हटो भी। हेलो, मैं राजू से बात कर सकती हूँ प्लीज? राजू साहब रीटा मैम साहब के साथ बाहर गए हैं। किसके साथ? रीटा मैम साहब के साथ। मेरी बात मानो, ये लो और घर जाओ। लेकिन पॉली, डोंट बी स्टूपिड, सपने भी कभी सच होते हैं। लेकिन नौकर ने फोन पर कहा था कि वो रीटा के साथ गए हैं। जब तक राजू नहीं मिलता तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये रीटा कौन है, उसकी क्या लगती है, जवान है या बुढ़ी? चलो घर जाओ, नहीं तो कीकी और कुछ नमक मिर्च लगा देगा। जाओ घर जाओ। बाय बाय। चलो चलो जल्दी करो सन्यासी जी। आउच। ये क्या है? सन्यासी जी, ये बरखा मैंने नहीं, आपके भगवान ने भेजी है आपको मेरे करीब लाने के। रीटा, मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे सिर्फ बातें तो मुझे भी पसंद नहीं, तो कुछ और करें क्या? ये रीटा, पागल तो नहीं हो गई हो तुम? तुम भी कमाल करते हो। लगता है अंकल से शिकायत करनी पड़ेगी। कपड़े बदल लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। यूरोप में कोई ऐसे भीग जाए
तो उसे ब्रांडी पिलाते हैं। सिर्फ एक ड्रिंक पीना अच्छा शुगर नहीं समझा जाता है यूरोप में। और दो ड्रिंक पीने के बाद क्या अच्छा है क्या खराब कुछ परवाह नहीं। क्या कहा था कि कपड़े नहीं तो सर्दी। Thank you.
जाने को दिल करता है ये प्यार आप ही सही, जल जाने को दिल करता है रीटा, पागल हो गई हो क्या? तुम तो यूं घबरा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें खा जाऊंगी। लेकिन कुछ सोचो तो। मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? तुम बहुत अच्छी हो लेकिन मैं मजबूर हूं। मजबूर? हाँ मजबूर, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूं। प्यार ही नहीं, हमारी तो शादी भी हो चुकी है। शादी? तो तुमने ये सब बातें अब तक मुझसे क्यों छुपाए रखी? डैडी नहीं जानते, पता चलेगा तो नाराज होंगे। भूल जाओ इन डैडी किस्म के लोगों को, इनका बस चले तो वो अपने बच्चों को डोर से बांध कर कठपुतली का नाच नचाए। Come in my son, come in. डैडी, आज आपने मुझे ऑफिस में बुलाया? बेटा दफ्तर की बात है, दफ्तर ही में अच्छी लगती है। मैंने सोचा कि जो कारोबार तुम्हें कल संभालना है उसकी कुछ जिम्मेदारी तुम्हें आज सौंप दी जाए, और फिर आपका इतना बड़ा धंधा है और ऊपर से रीटा के डैडी का धंधा, मुझे अकेले से नहीं संभाला जाएगा। ओ नो डैडी, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ बेटे, रीटा और तुम्हारी शादी के बाद उनका कारोबार भी हमारा हो जाएगा। दो कारोबारों की शादी तो आप कर सकते हैं डैडी, लेकिन मेरी शादी से पहले आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। बच्चों की शादी ब्याह के फैसले बुजुर्ग अपनी मर्जी से करते हैं, और मेरा ख्याल है कि अपनी शादी का फैसला करने का हक सिर्फ मुझे है। कोई लड़की है तुम्हारी नजर में? जी एक है। ओके, हमारे बेटे की खुशी हमारी खुशी, उससे शादी कर देंगे। नाम पता? अन्नू, सेठ प्रदीप राय चौधरी की बेटी। उससे तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। क्यों? तुम किसी भी लड़की को सड़क से उठा लाओ, क्या हम अपनी बहू मान लेंगे? अन्नू सड़क पे पली हुई लड़की नहीं है डैडी, और मैं उससे शादी कर चुका हूं। उस मोची की लड़की से? जी। क्या जानते हो कि उनसे हमारी खानदानी दुश्मनी है? जी हाँ। यह जानते हो कि उनके कारण मेरे भाई की जान गई? और यह भी जानते हुए कि आपके कारण उनकी बहन आज भी कुंवारी विधवा बनी बैठी है। आपको और कुछ कहना सुनना है? नहीं ना? हैरी, मैं तेरे घर ठहर सकता हूँ कुछ दिन के लिए? क्यों, क्या हुआ? मैंने घर छोड़ दिया है। घर छोड़ दिया है? क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछ यार, हाँ या ना। हाँ बाबा हाँ, लेकिन तू पहले अनु से तो मिल ले, रो रो के उसने अपनी आंखें लाल कर ली हैं। अनु, तुम्हारा रुमाल। मेरा नहीं है। आज शाम को क्या कर रही हो? क्यों? पिक्चर चलें? जाओ। तुम्हारे साथ। क्यों, आज कोई और नहीं मिले साथ ले जाने को? बहुत नाराज होना। मैं क्यों नाराज होने लगी? नाराज ना होती तो मुझे बुरा लगता, नाराज होने का हक भी तो
अपनों को ही होता है ना। बातें अच्छी करते हो, ऐसे ही बातें करके उसे भी फंसाया है क्या? किसे? उसी चुड़ैल को जिसे कल लिपट रहे थे। अधूरा सच झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी और बातें। सुननी पड़ेगी। मैं कहती मेरा हाथ छोड़ो। अनु प्लीज, उन सपनों के घर का क्या होगा अनु, जिसे हम दोनों ने मिलकर बनाया था। वो घर तो कब का टूट भी चुका। सपनों के शहर हम बनाएंगे घर, सपनों के शहर हम बनाएंगे घर, शहर हम बनाएंगे घर। जो था होगा न कल, दिल का मेरे शीश महल खो गई रोशनी, सपनों के शहर से गुलशन हंसे घर पर मेरे आंगन हंसे रो रहा दिल मेरा सपनों के शहर बनाएंगे घर।
सच होता तो क्या राजू तुम्हारे लिए घर छोड़ता? मैं क्या जानू? आज शाम को डिस्कोथेक आ रही हो ना, मैंने उसे भी बुलाया। किसको? राजू को पगली, और किसको? अब क्या रखा है राजू, अब वो पहले वाला राजू नहीं रहा। तुम आओ तो सच झूठ का पता चल जाएगा। शाम को 6 बजे। बाय बाय। बाय। ये राजू कौन है? हम सब अच्छे दोस्त हैं, पॉली, हैरी, राजू। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन राजू से तुम्हारा मिलना हमें अच्छा नहीं लगता। डैडी, किकी ने आपके कान भर दिए हैं। राजू तो बहुत अच्छा लड़का है। जिसे हम अच्छा कहें वो अच्छा है, जिसे हम बुरा कहें वो बुरा है। डैडी, आप एक बार उसे मिल तो ले। हमें उस दर्जी के बच्चे से नहीं मिलना, और आज के बाद तुम भी नहीं मिलोगी। लेकिन डैडी, मैं उसे प्यार। प्यार ने मेरे खानदान को बर्बाद किया है, और अब यह भूत इस पर चिपक गया है। जब तक प्यार का बुखार नहीं उतरता, इसका खाना पीना बंद कर दो। किकी, ले जाओ इसे कमरे में बंद करो। लग गई थी पगली, इस वक्त सो गई तो जिंदगी भर सोती रहोगी, और वो तुम्हारी रात देखकर लौट जाएगा। जाने वाले एक बार चले जाए तो फिर कभी लौट कर नहीं आया करते। अनु, तुम चली जाओ। आंटी, ये आप कह रही हैं? हाँ, ये दुनिया है ना, इसे अपनी औलाद की खुशी भी नहीं देखी जाती। इससे पहले कि तुम्हारी खुशियां हमेशा के लिए छीन लें, भाग जाओ अनु, भाग जाओ। अगर डैडी बिगड़े तो? उनका सोचोगी तो मेरी तरह कुर्सी से बंध जाओगी। मैं वही ना कर सकी जो मैं तुम्हें करने को कह रही हूं। आप? हाँ, मैं। प्यार एक मौसम है जो जीवन में सिर्फ एक बार आता है। मेरे जीवन में भी ये मौसम आया था। तुझ में हिम्मत है अनु? हाँ आंटी। तो भाग जाओ इससे पहले कि वो आ जाए। तुम भाग जाओ, भाग जाओ। अनु, पगली, बाप का घर छोड़ते हैं, हर बेटी रोती है, लेकिन जाओ। अरे, प्यार में तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं, तूने तो सिर्फ घर छोड़ा है। और फिर हम लड़कियों को एक न एक दिन बाबुल मोरा। बस बकवास बंद कर अभी। अच्छा बाबा, बंद कर दिया। पता नहीं बेचारे राजू पर क्या बीती होगी, मैंने उसे ठीक से नहीं समझा ना, बेचारे को मेरे कारण घर छोड़ना पड़ा। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा या नहीं। अरे पगली, वो प्यार ही क्या जिसमें माफी मांगी जाए।
और वो यार ही क्या जिसकी बाहों में सिमट दुनिया की खबर रहे। लेकिन पॉली वो अब भी सामने आ जाएगा तो एक बार हाथ में हाथ थाम उसकी आंखों में झांकोगी तो पूछूंगी कि जिस दिल में यार का प्यार है उस दिल में माफी के लिए भी कहीं जगह बची है क्या। साजन से मिलन होगा। चुप ना। शर्माने के दिन आ गए। चुप मुड़े। अच्छा सुनो, तुम्हारा मैसेज राजू को क्लास में पहुंचा दिया गया है। जैसे ही क्लास छूटी वो सीधा यहाँ। और फिर साजन से मिलन। भागो भागो यहाँ से, जल्दी आओ मेरे साथ। इधर पॉली, ये भूत यहाँ कहाँ से आ गया? सब काम रोड कर देगा। पॉली को सोच, पॉली जल्दी सोच, पॉली सोच, पॉली सोच, सोच। ये तो बेहोश हो गई, अब क्या होगा? बेहोश हो गई, मर गए। अब क्या होगा? अनु, ये बेहोश हो गई, मर गए। अनु, पॉली मर गए, भूत आ गया, सर पे आ गया। अब क्या होगा? पॉली को सोच, सोच, सोच। क्लास छूट गया है, राजू आता ही होगा। तुम दोनों अनु को डॉक्टर के पास ले जाओ, कीकी को मैं संभालती हूँ। ठीक है। कीकी, 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 मुझे भी चक्कू चलाना सिखाओ ना। अब आप अंदर जा सकते हैं। मैं तो घबरा ही गया था। घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा मैं आधे घंटे में यहाँ से जा सकती हूँ। हैरी, तू जरा यहीं ठहर, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ओके। पर हुआ क्या था? उसी से पूछ लेना। अनु ने तो आपको बता दिया होगा कि वो माँ बनने वाली है। क्या? अनु की बातों से मुझे पता चला कि तुम लोगों की अभी शादी भी नहीं हुई। जी, शादी तो हो चुकी है भगवान के मंदिर में। और उस शादी में न तुम्हारे माँ बाप थे न कोई गवाह, न ही तुम्हारे पास उस शादी का कोई सबूत। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? जी 21 साल। पूरे 21? जी कुछ 4 महीने बाकी हैं। और 19 साल के होने के लिए अभियानों को 3 महीने बाकी हैं। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती। आप तो एक ही हल है, तुम दोनों के माँ बाप तुम्हारी शादी कराए। वो तो एक दूसरे की सूरत तक देखने को तैयार नहीं। माँ बाप तुम्हारी शादी करेंगे नहीं और कानून तुम्हें शादी की इजाजत देगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है। अगर माँ बाप बनने के लिए हमारी उम्र कम नहीं तो शादी करने के लिए कैसे कम है? ये सवाल मुझसे नहीं, कानून बनाने वालों से पूछो। अजीब कानून है यार, माँ बाप चाहे तो बच्चों का भी ब्याह रचा सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते। अरे नो प्रॉब्लम यार, 4 महीने की तो बात है, तब तक तुम दोनों मेरे घर में छुपे रहो। ओ, और फिर बजेगी शहनाई और फिर चुप। किसी ने अन्नू को खाना दिया अभी तक? वो मैंने सुबह जो कहा था गुस्से में कहा था। तुम क्या समझे कि मैं सचमुच अनु को भूखा प्यासा रखूंगा? राम सिंह, खाना लाओ, मैं अपनी अनु को आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। क्या बात है? अनु भाग गई डैडी। भाग गई कैसे? अन्नू को तुमने भगाया? मैं पूछता हूं, अन्नू को तुमने भगाया है? हां। क्यों? इसलिए कि मैं भाग नहीं पाई थी, इसलिए
कि मैं नहीं चाहती थी कि वो जिंदगी भर मेरी तरह कुंवारी बैठी रहे। इसलिए कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं, भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए तुमने जो मेरे साथ किया था वो उसके साथ ना कर पाओ। इसलिए ये नफरत और जुल्म का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए 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 तुम पागल हो गए। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस, शगुन कुछ अच्छे नजर नहीं आता यार। राजू भाग। आओ बच्चू आओ, पुलिस तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। तो चलो, मैं कौन सा पुलिस से डरता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? जी हैरी। हैरी, बहुत दोस्ती है तुम्हारी उस हरामजादे से। किससे? उसी उल्लू के पट्टे से जिसने मेरी बेटी को भगाया। जी कहां है वो सांप का बच्चा राजू? मैं उसका खून पी जाऊंगा। देखिए, आपको ऐसी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए। जो सर से पैर तक गंदगी से भरा है, उसकी जुबान गंदी नहीं तो और क्या होगी? कचरे के डब्बे से ढक्कन हटाइए तो बदबू ही आएगी। जिस हरामजादे ने मेरी बेटी को भगाया उसे गाली नहीं दूं तो क्या फूलों के हार पहनाओ? वो मेरा बेटा है, तुम उसको गाली दोगे तो क्या मैं चुपके से सुनता रहूंगा? एक बार नहीं कहूंगा, हजार बार कहूंगा। लफंगे का बेटा लफंगा, क्या कर लोगे मेरा तुम? अरे मोची, तेरे ही बनाए हुए जूतों से मार मार कर सर गंजा कर दूंगा। आप लोग हटिए, लेट मी इंक्वायर, मुझे कुछ पूछने दीजिए। राजू और अनु कहां हैं? अभी अभी तो मेरे साथ थे, किकी को देखा तो भाग गए। भाग गए कहां? ये मैं नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है। झूठा तू, झूठा तेरा। सॉरी अंकल। इंस्पेक्टर साहब, एक नाबालिग लड़की को वरगलाने की सजा क्या है? 7 साल। इंस्पेक्टर, आप तो आज की मॉडर्न लड़कियों को पहचानते हैं। अपने खर्चे पूरे करने के लिए अमीर लड़कों को फंसाती हैं। एक नजर उनके दिल पे तो दूसरे उनके पॉकेट पे होती है। उन्हें भला कौन वरगलाएगा? अन्नू किसी फुटपाथ छापे की नहीं, करोड़पति बाप की बेटी है। दौलत आने से इज्जत नहीं आ जाती, कहलाएगी फिर भी मोच की लड़की। तेरे बेटे से तो बाद में समझूंगा, पहले तुझसे तो निपट लूं। मेरे अंदर भी कब से आग चल रही है, तेरे लहू की चीटों से ही पूछेगी। गॉड, आप लोग फिर उलझ गए। प्लीज प्लीज। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो लोग कहां गए होंगे? जी नहीं। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, कुड आई हेल्प यू? एक कमरा मिल सकता है? आपकी बुकिंग है? सॉरी, नो अकोमोडेशन। बिना सामान के हम कमरा नहीं देते। माया रानी, हमारा काम कब होगा? अरे मुवे, चाबी तो दे। लेना चाबी। वो एक कमरा मिलेगा? कितने घंटे के लिए चाहिए? यही कोई 2-4 दिन के लिए। 2-4 दिन के लिए 40 रुपए पर डे? हाँ। एडवांस? राम सिंह, साहब को 203 में लेके जाओ। क्यों छोमिया, बहुत दिन के बाद आए हो, क्या बात है? कुछ अजीब सी जगह है, पर क्या करें, मजबूरी जो है। राजू, तुम्हें मेरे कारण कितने दुख उठाने पड़ रहे हैं ना? अरे पगली, तुम्हारे कारण मुझे इतने सुख जो मिल रहे हैं। ओ राजू, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कितना? इतना बस? इतना? इतना बस? सिर्फ इतना सा? अच्छा, और तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जितना तुम मुझसे प्यार करती हो ना, उससे ज्यादा। ये चीट।
इधर से कोई भाग ले पाए। छोड़ दे कमीने। शोर कैसा है? अनु भागो। क्यों क्यों भाग क्या है? भागो, पुलिस का रेड है। अनु राजू कहां से बोल रहा है? रेलवे स्टेशन से। तू जल्दी से हमारे कपड़े लेके यहाँ आ जा, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन तू जा कहां रहा है? याद है गांव में हमारी दादी माँ का फॉर्म, वहां पे किसी को शक नहीं होगा। अच्छा ठीक है, वेट कर, मैं आ रहा हूं। क्या है? पग रखी दियो पगड़ी। अनु कहाँ है? यहीं कहीं होगी यार। माता जी आप जाइए यहां से। आपसे कहा ना जाइए, क्यों सर पे चढ़ के खड़ी हैं आप? एक बदमाश को हम पे शक हो गया था यार। अनु कहीं फंस ना जाए यार। मैंने उसकी छुट्टी बोला ना, छुट्टा नहीं है अनु। अरे ये चक्कर तुमने कब चलाया? जब तुमने ये चक्कर चलाया। माफ करना भाभी जी। माफ किया देवर जी। लेकिन चीफ मिनिस्टर स्टेशन का चप्पा चप्पा छान मारा है। मेरा ख्याल है वो लोग यहाँ नहीं है। वो 2 करोड़ के हीरे लेकर भागी है। अब एक बेवकूफ अगर वो हाथ से निकल गई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने उसे हर जगह तलाश किया है, कोई जगह नहीं छोड़ी। तलाश करो, वो भेष भी बदल सकती है, बुर्का भी पहन सकती है। बुर्का भी पहन सकती है? बस मैं अभी आया, फिर स्मैत आया। राजू सुबह हो गई, उठो। करा दिया ना। तुम भी जल्दी से फुर्का पहन लो। दरवाजा तो खोलिए। हाँ,
हीरे लेके भाग। अरे कोई है? कोई है बाबा? कोई है? देखते नहीं, मैं हूँ भैंस है, और क्या चाहिए? जी मैं, मुझे आपकी मदद चाहिए। जाओ जाओ, मुझे फुर्सत नहीं है। तुम आ गए, मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, और मैं भी कितनी पगली हूं, जागते सोते जिसकी राह देख रही थी वो आया और उसे लौटा रही थी। जी वही तीखे नैनाक्ष, वही बाल, वही रसीले होंठ। डैडी कहते थे तुम्हारे सपनों का शहजादा पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन मैंने तो इससे पहले आपको कभी देखा ही नहीं। सपने में भी नहीं? नहीं, बात यह है कि मुझे जल्दी ट्रेन से फेंका गया है। डार्लिंग, तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हें यही क्यों फेंका गया, कहीं और क्यों नहीं? जी इसलिए कि दाता को मेरा और तुम्हारा मिलन मंजूर था। मैं तो ये पूछने आया था कि अगले स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त हो सकेगा। तो क्या तुम जाने के लिए आए हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा। आप सचमुच बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेरी बीवी ट्रेन पर है और गुंडे उसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या तुम्हारी बीवी भी? जी। तो ये जन्म भी इंतजार में बीत गया। लेकिन एक वादा करो, अगले जन्म में मिलोगे तो कुंवारी मिलोगे और मुझे भी गुंडों से बचाओगे ना? वादा रहा। तुम्हारी बीवी सुंदर है? जी। क्या तुमने कभी दूध दुहा है? क्या? या कभी कोशिश की है? नहीं नहीं, तुम जाके दूध दो, मैं तुम्हें स्टेशन ले जाने के लिए तैयार होती हूँ। I'm sorry भैंस जी, बस आज ये गुस्ताखी कर लेने दीजिए। घूरिए मत। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत प्यार से छूऊंगा। कहाँ से शुरू करूं? कहीं गलत पकड़ लिया तो मारना पड़ जाए। सॉरी माता जी। ओ मिस्टर, जीप तैयार है। हे भगवान। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ अरे सुनो, अगली बार तुम्हें कोई चलती ट्रेन से फेंके तो उसे पहले ही बता देना कि तुम्हें दूध दोहना नहीं आता। हाँ बता दूंगा। और सुनो, फुर्सत से आना अगली बार, अभी जवान हो, बहुत कुछ सीखना है। अच्छा। और अगले जन्म में शादी मत करना। अब अनु,
शराबी कौन है? श्यामू काका, यहाँ की रखवाली करता है, पीता भी तो कुछ नहीं, यूं ही मस्त रहता है। श्यामू काका कौन है? अरे छोटे सरकार, मैं भी कहूँ कि श्यामू के बारे में ऐसी बातें कौन बोल सकता है। लाइए 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 लाइए। अरे भगवान, अरे देखो तो बाहर कौन आया है। क्यों गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहा है शराबी कहीं का, ये क्या लाया? अरे इधर देखो। हाँ बाबू, राम 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 राम। आपने शादी कर लिया और मुझे खबर भी नहीं किया। बेटा, जब से आपके दादी का देहांत हुआ मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ। अरे फिर शुरू कर दिए अपने दुखड़े। ये नहीं जानती छोटे सरकार लंबे सफर से आ रहे हैं, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाबू हाथ मुंह धोकर आराम कर लो। पहचान लिया। श्यामू जी। हाँ उधर उधर उधर। सुनो, बेटा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या? कि तुम और अन्नू देश के बहुत बड़े नेता हैं। नेता? अरे हाँ हाँ, लीडर। अखबार में तो लीडर लोग के ही फोटो छपते हैं। बेटा मुझे ये तो मालूम था कि तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, लेकिन ये नहीं मालूम कि तुम लीडर बनोगे। और शादी भी लीडरानी से ही करोगे। हमारे तो भाग खुल गए मालिक। अपना ख्याल रखो, लेकिन तुम तो परवाह ही नहीं करती। तुम्हें तो इस समय घर से बाहर पांव भी नहीं रखना चाहिए बेटी। काकी, हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि ये माँ बनने वाली है? लो, ये बातें क्या छुपाए से छुपती है बेटा? ये लो, क्या मुझे देख के कोई कह सकता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ? अब जाने भी दो। ए, तुम्हें तो घर से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहिए ना। मन में पॉली, मेरे मन में, मन में, मन में। पॉली 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 पॉली। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? आपके पास कुछ पैसे हैं? नहीं। दारू पी रहे? नहीं पी रहे। मत पीना, बोली यार। अरे कमर ना, दारू पीना लगता है मेरे को। अरे भाई साहब, आप लोगों के पास कुछ पैसे है? दारू पी रहे? दारू नहीं पी रहे। मत पीना, बोली बुरी चीज है। अरे समझे ना, क्यों मार रहे? दारू पी रहे? अरे चेलने के काले आ रहे क्या? काले कुत्ते पकड़ने जा रहे? Thank you.
कुछ पैसे होंगे। आप दारू पीते हैं? अबे हट, बाल सगती नहीं पीती, ये भी दारू पीला है। अरे काले कुत्ता, तुम लोगों की शामत आ गई। जिस घड़ी का आप सब लोगों को इंतजार था वो अब आन पहुंची है। जवान दिलों के अरमान और आज की उदास नस्ल के जज्बात के तर्जमान श्री अमिताभ बच्चन, जिसे आज तक आप लोगों ने फिल्मों में या फिर सपनों में देखा है, वो आपके सामने आया ही चाहते हैं। और जिस लड़की के नाम की पर्ची निकलेगी उसे श्री अमिताभ बच्चन अपनी बाहों में ले लेंगे। मेरा मतलब है उसे उनके साथ डांस करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो जिगर थाम के बैठिए, श्री अमिताभ आए। लेट काउंट डाउन फ्रॉम फाइव। कमिंग 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 कमिंग। दोस्तों, मेरा जी तो यही चाहता है कि इस हॉल में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं सबके साथ नाच सकूं, लेकिन मजबूरी है। पर्ची पे जिसका नाम निकलेगा सिर्फ उसी के साथ नाच पाऊंगा। सिंधिया जी लाइए। नीना, 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 नीना दारुवाला। Come on, ladies and gentlemen, let's give the dancing couple a big hand. Ruthara,
कहां गया वो हरामजादा? पता नहीं, हमने सब जगह ढूंढा उसे, न जाने वो कहां चला गया। तुम लोग उस तरफ जाओ, चल चक्कू, चल मेरे साथ। रात काफी हो गई है किकी। अरे यार कुछ पैसे यार तो छोड़ना ना। आप ही मुझे बचा लीजिए ना बहन जी। अब मैं तेरी बहन लगती हूँ? फार्म हाउस। आपने इकलौते बेटे को भी घर से निकाल दिया। मैंने निकाला या वो खुद घर छोड़कर भाग गया? बेचारा भूखा प्यासा न जाने किस हाल में होगा, जाते हुए घर से कुछ पैसे भी तो लेके नहीं गया। भूखा प्यासा माय फुट। अंकल अंकल, किकी ने मुझे मारा। जरूर तुमने कोई शरारत की होगी। नहीं अंकल, मुझे मारा भी और राजू का एड्रेस भी छीन लिया। तू जानता है राजू कहाँ है? जी हाँ, दादी माँ के फार्म पर। और तूने आज तक ये बात हमसे छुपाई रखी, उल्लू का पट्टा। चलो जी जल्दी करो। साले बाप आए ऐसी दोस्ती से, कभी किसी का भाई पीटता है तो कभी किसी का बाप। किसके लिए बन रहे हो? अनु, अरे भाई पता तो चले किसके लिए बन रही हो, बेटे के लिए या बेटी के लिए? That? इसे तो भूख लगी है। अच्छा तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैंने उसके रोने की आवाज सुनी है। तुम्हें पता चला कि ये लड़का है या लड़की? अरे बुद्धू, अगर रोता है तो लड़का और अगर रोती है तो लड़की, इतना भी नहीं पता तुम्हें? मूर्ख डैडी। तुम तुम बाहर निकल। अरे बाहर निकल दर्जी की औलाद, तू बाहर आ, आजा आजा। सोनी, दौलत से इज्जत का सौदा नहीं किया जाता कभी, लेकिन एक कपड़े का व्यापारी क्या जानेगा इसे? मोची, दर्जी दर्जी। दर्जी मोची।
कहा है वो सांप की औलाद जिसने मेरी बेटी को जबरदस्ती हमारा बात तो सुनिए कहा है वो अगर मैंने उसे 7 साल के लिए अंदर नहीं करवा दिया मेरा नाम भी प्रदीप राय नहीं प्रदीप राय बदमाश है तेरी बेटी जिसने मेरे बेटे को भगाया है खबरदार जो हमारे खानदान को गाली दी तुमको और तुम्हारे बेटे को गाली नहीं दूं तो क्या तारीफ करूं तुम्हारी पहले मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की और उसके बाद मेरी बेटी के पीछे पड़े हो प्रदीप राय पुराने जख्म न छेड़ नहीं तो खून खराबा हो जाएगा अरे धमकी किसे देता तू या भी किसी ने चूड़िया नहीं पहनी आज तो फैसला हो ही जाए सरकार अच्छा हुआ आप समय पर आ गए जल्दी से क्लरी डॉक्टर का बंदोबस्त कीजिए नहीं तो आपकी बहू और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ जाए मेरी कोई बहू बहू नहीं है सरकार ये क्या कह रहे हैं आप घबरा मत बेटी घबरा मत मैं भी डॉक्टर लेके आता हूँ तो घबराना मत बेटी मैं राजू थैंक यू प्रदीप राय मेरी बहू की जान बचा ले प्लीज बधाई हो बाबू बेटा हुआ बेटा आपका पोता अब आप दादा बन गए और मैं नाना बच्चे की आंखें बिल्कुल मुझ जैसी और माथा बिल्कुल मुझ जैसा नाक बिल्कुल राजू जैसा और होंठ बिल्कुल अनु जैसे गाल मेरे बाल मेरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे पिताजी से मिलती है तुम्हारे पिताजी से शक्ल तुम्हारी मिलती है इसकी शक्ल तो मेरे पिताजी जैसी है क्या बकते हो ठीक है तो कहता हूँ तुम्हारे खानदान में आज तक कभी सुंदर बच्चा पैदा हुआ है जो अब होगा खबरदार जो मेरे बच्चे पर अपना हक जमाया तुम्हारा बच्चा अरे आप लोग फिर झगड़ने लगे ये बच्चा ना आपका है और ना ही आपका ये बच्चा तो हमारा है
हम सबका। ए लो बहू संभाल के। Thank you.